NRC authorities are not acting impartially. इन लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही है. फेक लीगेसी डाटा आइडेंटिफाई होने के बावजूद भी उन लोगों का नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया जाता है. नमस्कार, मैं चौधरी एस रहमान, स्वागत है आप सबको बोल्ड एंड लाउड शो में. दोस्तों, असम में चल रहे एनआरसी के संदर्भ में हमारा ये 6th एपिसोड है. आप लोगों में से किसी ने अगर हमारा पिछले एपिसोड नहीं देखा होगा तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं. दोस्तों, एनआरसी पर आज का हमारा विषय है यूज ऑफ फेक लीगेसी डाटा एंड फेक लिंकेज डॉक्यूमेंट फॉर एनआरसी अपडेशन. मतलब लोगों के द्वारा फेक लीगेसी डाटा और फेक लिंकेज डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाना. दोस्तों, हमारी जानकारी के मुताबिक पिछले अगस्त के महीने में एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने सुप्रीम कोर्ट में यह स्वीकार किया था कि बहुत सारे लोगों ने एनआरसी अपडेशन में अपना नाम शामिल करने के लिए फेक लीगेसी डाटा का इस्तेमाल किया. दूसरी तरफ एपीडब्ल्यूडी मतलब असम पब्लिक वर्क्स नाम का जिस संस्था की पिटीशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट को एनआरसी का काम अपने हाथों में लेना पड़ा, उसी संस्था का सभापति अभिजीत शर्मा ने भी इस विषय में खेद व्यक्त किया है. पैसा की ना हो से लीगेसी डाटा सर्वोच्च न्यायालय সুদ স্বীকাৰ কৰিছিল এনআৰচিৰ মুখ্য সমন্বয়ৰক্ষী বিষয়া প্ৰতীক হাজেলাই. দেউতাকৰ লিগেচিটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, কিন্তু ককাকৰ লিগেচিটো ৰৈ গৈছে, ব্যৱহাৰ কৰা নাই. সেই লিগেচিটো কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? আৰু তেনেকেহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, কাৰণ কি এটা দালাল চক্ৰ ঘূৰি আছে. দালাল আছেই, বাংলাদেশীৰ সমৰ্থনত কাম কৰা সংগঠন ৰাজনৈতিক দল আছেই. তো তেওঁলোকে এই কামটোৱে কৰি আছে যে ক'ত ক'ত লিগেচি ব্যৱহাৰ হোৱা নাই আৰু সেই লিগেচিখিনিক লৈ কাৰ কাৰ নাম সোমাব পাৰে. यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चाहे वो प्रतीक हजेला हो या अभिजीत शर्मा हो या कोई राजनीतिक नेता या लीडिंग सिटीजन हो, इन लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही है. उन लोगों की ऐसी सोच के पीछे वही प्रोपागंडा है जो हमने आप लोगों को पिछले एपिसोडों में एनालिसिस करके बताया था. फिर भी सब कुछ जानते हुए भी अगर ये लोग ऐसी सोच रखते हैं तो ये इन लोगों का नीच और हीन मानसिकता साबित करता है. यहाँ पे हम ऐसी कई सारी लोगों की उदाहरण दिखाएंगे जो मुसलमान नहीं है लेकिन उन लोगों ने फेक लीगेसी डाटा का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उन लोगों का नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में इंक्लूड हुआ है और उन फेक लीगेसी डाटा के बारे में एनआरसी अथॉरिटीज को भी मालूम था, लेकिन एनआरसी अथॉरिटीज का जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें भी इन लोगों की फेक लीगेसी डाटा को आइडेंटिफाई किया गया था. फिर भी उन लोगों का नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में इंक्लूड किया गया. हम आप लोगों को इसका कुछ सैंपल्स दिखा रहे हैं. एनआरसी अथॉरिटीज ने अपनी इंटरनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट कार्ड में उन लोगों की लीगेसी डाटा को इनवैलिड के तौर पर आइडेंटिफाई किया, लेकिन उन लोगों का नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में आ गया. देखिए आप लोग. दोस्तों, पिछले सितंबर महीने के 7 तारीख को असम के सिलचर से निकलती एक बंगाली न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपा गया था
जिसमें यह लिखा हुआ था कि कछार जिले की लखीपुर सब डिवीजन में रहने वाले फजुल हक नाम का एक व्यक्ति जो पेशे से सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक थे, कुछ साल पहले जिनका देहांत हो चुका था, उन्हीं के नाम का लीगेसी डाटा उनके बेटे और बेटियों ने इस्तेमाल करके अपना अपना एनआरसी एप्लीकेशन जमा किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके पास एनआरसी अथॉरिटीज की तरफ से एक नोटिस आता है। उस नोटिस में ये कहा जाता है कि आप लोगों को फलना एनआरसी में इस तारीख को सारी डॉक्यूमेंट लेकर हाजिर होना है। ठीक उसी तारीख में ये लोग उस एनएसके में हाजिर होते हैं, लेकिन वहां जाकर उन लोगों को ये मालूम पड़ता है कि उनके पिता के नाम का लीगेसी डाटा अपर असम के दिलीप पटक नाम का एक व्यक्ति, उन्होंने और उनके परिवार ने उस लीगेसी डाटा का इस्तेमाल किया और इसीलिए दिलीप पटक और उनके परिवार को भी उसी तारीख उसी एनएसके में हेयरिंग के लिए बुलाया गया था। लेकिन दिलीप पटक और उनके परिवार का किसी भी सदस्य उस दिन हेयरिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए। आश्चर्य करने वाली बात यह है, दिलीप पटक और उनके परिवार हेयरिंग में अनुपस्थित रहने के बावजूद भी एनआरसी की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में उनका और उनके परिवार का नाम आ जाता है। लेकिन फजुल हक के बेटे और बेटियां हेयरिंग में उपस्थित होकर अपना पक्ष सही साबित करने के बावजूद भी उन लोगों में से एक का भी नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आता है। उन्होंने जब एनआरसी अथॉरिटीज से इस बारे में लिखित तौर पर जवाब मांगा, तब एनआरसी अथॉरिटीज ने भी लिखित तौर पर इन लोगों को जवाब दिया जिसमें लिखा हुआ है कि रॉन्ग लीगेसी डाटा का इस्तेमाल करने के कारण उन लोगों का नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया। उन लोगों का लीगेसी डॉक्यूमेंट देखिए और सोचिए कैसे झूठ सच बन गया और सच झूठ बन गया। दोस्तों, हमें इस बारे में जब पता चला तब हमने अंदरूनी तौर पर एक इंक्वायरी किया जिसमें यह पता चला एनआरसी अथॉरिटीज की इंटरनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट में फजुल हक की लीगेसी डाटा को सही माना गया। फजुल हक की बेटे और बेटिया की अलग अलग एप्लीकेशन के इंटरनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट का पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ। दूसरी तरफ दिलीप पटक के बारे में जब हमने इंक्वायरी किया तब हमें पता चला दिलीप पटक और उनके फैमिली को एनआरसी अथॉरिटीज ने ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कैटेगरी में डाल के उनके नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल कर दिया। इससे एक बात तो साफ हो जाता है, एनआरसी अथॉरिटीज आर नॉट एक्टिंग इम्पार्शियली। एनआरसी अथॉरिटीज भी भेदभाव की नजर से काम कर रहे हैं, नहीं तो इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है। और ऊपर से उंगली मुसलमानों के ऊपर उठाते हैं, निहायत ही घटिया और शर्मनाक बात है ये। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई सारे उदाहरण है जिसमें ये पाया गया है कि लोगों ने फेक लीगेसी डाटा का इस्तेमाल किया और एनआरसी अथॉरिटीज ने भी ऐसी फेक लीगेसी डाटा को आइडेंटिफाई करते हुए इनको इन्वेलिड किया। लेकिन आश्चर्य बात यह है, फेक लीगेसी डाटा आइडेंटिफाई होने के बावजूद भी उन लोगों का नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया जाता है। दोस्तों, फेक लीगेसी डाटा के अलावा भी हमने ऐसी बहुत सारे एप्लीकेंट्स देखा है जिन्होंने अपने एप्लीकेशन में फेक लिंकेज डॉक्यूमेंट जमा किया है। हमने ऐसा भी पाया है कि जो लिंकेज डॉक्यूमेंट उन एप्लीकेंट्स ने जमा किया है वो असल में किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे इशू किया हुआ है। जैसे हिंदू समुदाय के किसी व्यक्ति ने जिस लिंकेज डॉक्यूमेंट को उनके नाम का बताकर जमा किया, इंक्वायरी में वो डॉक्यूमेंट किसी मुस्लिम व्यक्ति का निकला। ऐसा एक दो नहीं, ढेरों उदाहरण है हमारे पास। हम आप लोगों को सैंपल के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए यहाँ और खुद जांच कीजिए ओरिजिनली एनआरसी अपडेशन प्रक्रिया सही से हो रहा है, इम्पार्शियली हो रहा है कि नहीं, आप लोग सोचिए।
दोस्तों हमारे द्वारा किया गया ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा आप हमें जरूर लिखिए। ऐसी जानकारी और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण को देश की हर लोगों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए दोस्तों हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और पहचान वालों से सब्सक्राइब करके और करवा के ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दे। और हाँ दोस्तों बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों एनआरसी के संदर्भ में और बड़ी खुलासे के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद।